हाय ऑल, नमस्ते. मेरे अभी तक 75 सब्सक्राइबर हो चुके हैं. ये मेरा 6th वीडियो है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सोच कर कि मैं 75 लोगों से अपनी बात कर पा रही हूँ और 75 लोग एटलीस्ट मेरी बात सुन रहे हैं. ये परिवार ऐसे ही बड़ा होगा और मुझे लगता है ठीक है, मैं ज़्यादा लोगों से बात कर पाऊँगी और ज़्यादा लोग मेरी बात सुनेंगे. हम शायद एक नया कुछ शुरू कर पाए, नए विचार, नए लोग, नया परिवार. अच्छा लगता है ये सोचकर. सो थैंक यू सो मच. मैं इसलिए यूट्यूब पे आई थी और मुझे ये अच्छा लग रहा है करने में. जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे पहले वीडियो में, अगर आपने देखा हो, कि मैं एक पॉल क्रिएट करना चाहती थी. हुआ नहीं मेरे से, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है, जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं आप पॉल क्रिएट नहीं करना कर सकते हैं. और मुझे तो लगता है कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं हर दूसरे दिन पॉल करूंगी, क्योंकि मुझे हर चीज़ में आप लोगों की जानकारी चाहिए. या फिर मैं जब भी न्यूज़ पढ़ती हूँ, मैं हेल्थ केयर सेक्टर में 15 साल दे चुकी हूँ अपने, तो ये सेक्टर मुझे थोड़ा इन्फ्लुएंस किया है और मुझे इसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करना अच्छा लगता है. जब भी कोई न्यूज़ पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि और लोग क्या सोचते हैं, क्या वो भी मेरी तरह सोचते हैं या फिर उनकी सोच मेरे से अलग है. तो ये बात जानना तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी. ऐसी ही एक बात आपके सामने लेकर आई हूँ. अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा है कि चेन्नई के जो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, उभरते हुए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उन लोगों ने कैंसर के लिए कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए. बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कैंसर अब हमारे लिए रेयर नहीं रह गया है. अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो मुझे लगता है पहले इक्का दुक्का लोग होते थे और अब तो कई, मुझे लगता है ये बहुत ही कॉमन हो चुका है. उन्होंने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, सबको करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, जागरूकता तो आनी ही चाहिए. मगर जो मुझे एक चीज़ नहीं अच्छी लगी और जो एक चीज़ मुझे सोचने पे मजबूर करी, कि जो उनके लिए उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर्स लाए हैं, वो कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रिटी है, कोई फिल्मी हस्ती है, कोई एक्ट्रेस है, तो कोई और कुछ और बड़े फिल्मी जगत से ही कोई बड़ा सितारा है. मुझे ये चीज़ सोचने पे मजबूर किया और मुझे ये चीज़ बुरी लगी, जो फैक्ट है कि हम जब किसी एक नॉवेल कॉज के लिए कर रहे हैं और हमारे पास कैंसर के पता नहीं कितने लोग हैं, जो जो अगर आप देखेंगे ना, जब उनके बारे में जानेंगे ना, तो आपको लगेगा कि वो सीरियसली हीरो हैं, वो सुपरस्टार्स हैं. मुझे एक अनुभव मिला. मैं जब अपने शुरुआती दौर में थी करियर के, तो मुझे एक कैंसर इंस्टीट्यूट में करीब 8 महीने काम करने का मौका मिला. और बिलीव मी, वो 8 महीने मेरी ज़िंदगी के कुछ अनछुए और ऐसे पहलू हैं जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया. मतलब प्रैक्टिकल तौर पे मैं कहती हूँ कि मुझे ज़िंदगी और मौत को एकदम नज़दीक से देखने का मौका वहीं मिला पहले. मुझे ये लगता है कि अब अगर आप किसी चीज़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे मैं अगर आलू की सब्ज़ी बनाना चाहती हूँ तो उसमें मेन इंग्रेडिएंट तो आलू ही होना चाहिए, राइट? वैसे ही अगर आप कैंसर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जो आपको प्लेटफॉर्म देना है, जो स्टेज देना है, वो कैंसर के लोगों को दीजिए ना. आपको क्यों एक ऐसा चेहरा चाहिए जो कहीं से कैंसर के बारे में ना कुछ जानता है, ना सुनता है, ना पढ़ता है, और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई इंटरेस्ट भी है. मैं नहीं कह रही, वो भी बहुत हार्ड वर्किंग है. कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है जो नोबेल कॉज और बहुत चीज़ करते हैं सोसाइटी के लिए, मगर मुझे ये लग रहा है कि उनकी जगह तो ऑलरेडी उनको मिली हुई है ना. वो तो ऑलरेडी बहुत कुछ करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं. तो खैर, हम पैसा तो छोड़ ही देते हैं, मगर जो इस तरह के लोग हैं उनको आप स्टेज पे आने का मौका दीजिए, उनको आप लोगों से मिलने का मौका दीजिए, उनको आप सबके सामने आने का मौका दीजिए. क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग कैंसर की लड़ाई जीत जाते हैं, मगर दिमागी लड़ाई में उतने परिपक्व होकर नहीं आगे बढ़ पाते हैं. तो मुझे ये लगता है कि अगर हम किसी भी चीज़ के लिए ऐसा कुछ करना चाहते हैं और करते हैं, तो शुरुआत हमें उनसे ही करनी चाहिए. और जो एक फेस हम पब्लिक के सामने, सोसाइटी के सामने डालते हैं ना, उनमें भी वही लोग होने चाहिए. ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपको क्या लगता है? आप प्लीज़ अपना कमेंट दें. मैं नहीं कहती कि मेरा विचार बहुत मायने रखता है या फिर आपका विचार बहुत मायने रखता है, मगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, या फिर हर एक का विचार मायने रखता है, ये हम सब जानते हैं. इससे कुछ नहीं होने वाला है शायद, शायद कुछ भी नहीं हो, मगर एटलीस्ट अगर एक सेम माइंडेड समान सोच वाले लोग एक समान परिवार में रहते हैं, तो शायद देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है. उसके बारे में मैं नहीं सोच रही. मुझे अपना विचार आपके सामने रखना चाहिए, अपने दिल की बात अपने सामने रखनी थी आपके, और वो मैंने रख दी. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला है, मार्च का महीना सिर्फ मेरे दिल की बातें होंगी, जो मुझे समझ में आती हैं वो होंगी. और
आपका विचार बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये जानना है कि क्या पूरा जो मेरा ये परिवार है वो मेरी तरह सोचता है, या फिर मैं अकेली ऐसा सोचती हूँ। शायद मुझे अपने आप को बदलने में या फिर अपने आप को मॉडिफाई करने में हेल्प करे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, देखते हैं किस बारे में आएगा, मैं खुद नहीं जानती, बट अभी तक के इस प्यार के लिए, इस एक सम्मान के लिए, या फिर जो आपने अपना टाइम निकाला, मेरा वीडियो देखा, मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट्स किए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। श्रुति, बाय।